तेजस्वी यादव ने मंत्री राम सूरत राय जी को एक सॉफ्ट और इजी टारगेट समझ लिया है और जिस तरीके से जबरन उनको आरोपी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के भाई के नाम से जमीन है जिसको उन्होंने लीज दिया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। उस अकोमोडेशन पर अगर कुछ भी होता है तो जबरन उससे मंत्री जी का नाम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि लालू जी अगर सजायाफ्ता है, आरोपी है चारा घोटाले के सजायाफ्ता है, तो लालू जी का परिवार सजायाफ्ता माना जाएगा। यह तो उसी तरह की बात हुई कि कोई चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्ला रहा है और किसी शरीफ आदमी को चोर घोषित करने की कोशिश में लगा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से और मुजफ्फरपुर की जनता से। और मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। तेजस्वी